साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? इतना बोलना था, मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण है उनके साथ मैं बैठ के क्या करूँगा। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? इतना बोलना था, मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के क्या करूँगा।